साथियों, 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब ने 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उस समय न सिर्फ उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा बल्कि खुद नेहरू जी बाबा साहब को हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। कांग्रेस द्वारा पूरी शक्ति लगाने की वजह से बाबा साहब को हार का अपमान सहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। कांग्रेस ने फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और फिर बाबा साहब को लोकसभा पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस लगातार अपमान के समय अगर उनका साथ किसी ने दिया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में पहुंचे थे और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को जन्म दिया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। साथियों, मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया हो, और ये मेरी चुनौती है कांग्रेस को। एक काम बता दे बाबा साहब के लिए सम्मान के लिए अगर उन्होंने किया हो। भाइयों और बहनों, हमें आपको पता है कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब के नाम वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं।